सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी का अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों, यहां पे जब भी एनटीपीसी की तरफ से जब भी वैकेंसीज आती है ना, तो दोस्तों यहां पे जो है धड़ाधड़ फॉर्म भरते हैं, ठीक है, बहुत सारे फॉर्म भरते हैं। तो आज ये वैकेंसी जो मैं लेकर आया हूँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना। बट हाँ, सबसे पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि ना, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको जाना है, और वहां पर जाने के बाद वहां पर अपना नाम और अपनी ब्रांच, या ठीक है, आपने जो भी ब्रांच में डिप्लोमा बी बीटेक कर रखा हो वो डाल देना, और जिस भी ट्रेड में आईटीआई कर रखा है वो ट्रेड को वहां पे मेंशन कर देना, ठीक है। तो ये काम करना है, पहले ये काम कर दीजिए, ठीक है, जल्दी से आपको कर देना है, और फिर उसके बाद में पूरी डिटेल समझ लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, जब आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रही दोस्तों यहाँ पे एनटीपीसी की तरफ से, यहाँ पे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आउट की गई है। यहाँ पे दोस्तों परमानेंट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी 2023 के अंदर। बहुत ही अच्छा मौका निकल कर आ चुका है। अगर आप भी यहाँ पे एनटीपीसी की नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजीफुल होने वाली है और हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो अगर आपने अभी यहाँ पे 10th और आईटीआई कर रखा है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। कई लोग मुझसे सवाल पूछते रहते हैं कि भाई कोई आईटीआई के लिए जॉब की अपडेट हो तो हमें बता देना। तो गाइस, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, आईटीआई वालों के लिए सबसे अच्छा मौका निकल कर आ चुका है। अंतिम तिथि से पहले पहले आवेदन कर लें। दोस्तों, यहाँ पे जो पोस्ट निकल कर आ रही है, जैसा कि आप देख ही पा रहे, काफी अच्छी बड़े पैमाने पर यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी, और डायरेक्ट यहाँ पे जो वैकेंसी देखने को मिलेंगी, परमानेंट वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके रखना, ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, और जिन्होंने टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यूट्यूब पे मैं अपडेट नहीं दे पाता हूं, तो टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट करा देता हूं, तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। तो जैसा कि यहां पे देख ही पा रहे, आज की जो वैकेंसी आ रही है दोस्तों, यहां पे 10th और आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकल कर आ चुकी है, ठीक है। 10th और आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसी यहां पे निकल कर आ चुकी है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। चलिए दोस्तों, पूरा प्रोसेस जान लेते हैं, कैसे आपको आवेदन करना है, किस तरह से आपको आवेदन करना होगा, पूरी बेसिक डिटेल्स के माध्यम से पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो गाइस, जैसा कि हम आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो एनटीपीसी मौदा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट रिक्रूटमेंट 2023। दोस्तों, कई लोग सवाल करते हैं कि भाई हम आईटीआई वाले जो हम आईटीआई हमने कर रखी है, और कौन सी ट्रेड के अंदर हमने जो है पोस्ट के लिए भरे, कौन से ट्रेड के लिए पोस्ट के लिए भरे, तो वो आपको डाउट कई सारे रहते हैं। तो मैं आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ पहले के पहले, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आपने आईटीआई जो कर रखी है, कौन से ट्रेड में कर रखी है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, और साथ ही साथ कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, किस तरह से प्रक्रिया है ऑफ अप्लाई फॉर्म भरने की, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। बेसिकली यहाँ पे दोस्तों एनटीपीसी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, मौदा सुपर थर्मल पावर के साथ में। तो यहाँ पे जो है आईटीआई की लेटेस्ट वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे एनटीपीसी लिमिटेड मौदा रिक्रूटमेंट 2023 एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए, ठीक है, आर्टिसन ट्रेनिंग मौदा सुपर थर्मल पावर स्टेशन ने यहाँ पे आर्टिसन ट्रेनिंग के पदों पर रिक्रूटमेंट निकाली है। यहाँ पे टोटल पोस्ट यहाँ पे 32 रखी गई हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसी होनी चाहिए, अप्लाई जो फॉर्म भरोगे आप ऑफलाइन के माध्यम से होगा, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्म के भरने की अंतिम तिथि जो रहेगी वो 24/3/2023 रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2023, अगर आपने यहाँ पे 10th कर रखा है और या फिर आपने आईटीआई कर रखा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आज ही आपको फॉर्म को भरना है, कैसे फॉर्म को भरना है पूरा प्रोसेस बताऊंगा। पोस्ट यहाँ पे मेंशन करी गई है, जो कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो, ठीक है, पोस्ट यहाँ पे आप देखने को आपको मिल जाएगी। तो एनटीपीसी की यहाँ पे बंपर भर्ती निकल कर आ चुकी है, अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हैं तो आप जरूर से अप्लाई करना दोस्तों। और यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनटीपीसी, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे वैकेंसीज को आउट की गई है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो प्रोजेक्ट किसके साथ में चल रहा है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पे 32 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, कौन कौन से पोस्ट पर कौन कौन से ट्रेडों के लिए वैकेंसीज निकली हैं, तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे कैसे आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको अप्लाई करना होगा ऑफलाइन के माध्यम से करना होगा, ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया है मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बात करेंगे जॉब लोकेशन के बारे में, तो जॉब लोकेशन जो रहेगी यहाँ पे आप देख सकते हो मौदा नागपुर महाराष्ट्र के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, ठीक है, ये आपको जॉब लोकेशन देखने को मिलेगी। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अप्लाई मोड ऑन एनटीपीसी, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो एनटीपीसी मौदा एप्लीकेंट को फॉर्म दिए गए पते पर फॉर्मेट को जमा करना होगा, ठीक है, ये फॉर्म आपको जो भरना होगा ऑफलाइन के माध्यम से। इस एप्लीकेशन फॉर्म को
के लिए जो भरना भरेगा कोई भी कैंडिडेट, उसमें कोई फीस नहीं जाएगी। एप्लीकेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अटैच करके तभी आपको यहाँ पे सेंड करना होगा। कौन से पते पर करना होगा वो भी आपको नीचे पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे पोस्ट नेम एंड क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो पोस्ट नेम एंड क्वालिफिकेशन जो कि यहाँ पे आर्टिसन ट्रेनिंग के अंदर जो वैकेंसीज निकली है इसमें दोस्तों आपने आईटीआई फेटर में कर रखी हो तब आप ये वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड दूसरी जो वैकेंसी निकली है आर्टिसन ट्रेनिंग की, ठीक है, उसमें दोस्तों यहाँ देख सकते हो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स के लिए वैकेंसी निकली है। बेसिकली अगर आपने यहाँ पे आईटीआई इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक्स के में अंदर कर रखा है या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई हैं, एलिजिबल हैं आप, ठीक है, अप्लाई कर सकेंगे आप। साथ ही साथ यहाँ पे बात करेंगे हम यहाँ पे एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पे मिनिमम एज आपके 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पे 45 तक होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हो रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट और स्किल टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन बेस्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, तभी आपको यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। बात करें दोस्तों यहाँ पे सैलरी की, तो सैलरी आपको यहाँ पे क्या रहने वाली है, तो यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे सैलरी जो आपको रहेगी वो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट को 2 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए पहले आपको रखा जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको आगे भी फिक्स आपके कर दिया जाएगा, आपको जो फिक्स स्टाइपेंड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 2 साल का, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 साल तक के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 21,500 रुपए तक, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो स्टार्टिंग बेसिस ऑन 21,500 रुपए, ठीक है, ये आपको यहाँ पे स्टाइपेंड देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एप्लीकेशन फीस के प्रोसेस के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 0 चार्ज रखा गया है, कोई चार्ज आपको नहीं देना होगा। एससीएसटी एंड पीएच कैंडिडेट के लिए भी कोई चार्ज नहीं देना है, 0 चार्ज रखा गया है। बात करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसा कि इंपोर्टेंट डेट की बात करें हम तो यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे इंपोर्टेंट डेट जो रखी गई है, स्टार्टिंग डेट देख सकते हो यहाँ पे 15/3/2023 से स्टार्ट हुआ है और एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट रखी गई है यहाँ पे 24/3/2023 रखी गई है, ठीक है। जल्दी से दोस्तों आवेदन आप कर सकते हो। कैसे आपको आवेदन करना है चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कैसे आपको आवेदन करना होगा। तो गाइज आवेदन करने के लिए आपको करना क्या है, गूगल पे आपको आ जाना है और गूगल पर आओगे, गूगल पर जैसे किसी चीज को सर्च करते हो ना भाई, तो इसी चीज को आपको यहाँ पे भी आपको इसी तरह से आपको यहाँ पे सर्च करना है ऑनलाइन जॉब तक। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया ऑनलाइन जॉब तक। अब ऑनलाइन जॉब तक मैंने टाइप किया, टाइप करने के बाद आप देखोगे कि आपको फर्स्ट टैब पर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, सिंपली आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है एंड क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद के सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस आपको दिखाई देगा जो कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आप थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको देखेगा फॉलोवर का ऑप्शन जो कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, अगर आपने यहाँ पे फॉलो नहीं कर रखा है भाई यहाँ पे जरूर से फॉलो कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन नहीं किया तो भाई टेलीग्राम को जाकर के ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मैं यूट्यूब पर अपडेट नहीं दे पाता हूँ तो टेलीग्राम पर सबसे पहले अपडेट आपको करा देता हूँ। एंड ऐसे ही यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2023, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देन क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जो कि मैंने आपको बताई थी बेसिक डिटेल्स, वो बेसिक डिटेल्स सारी की सारी यहाँ पे ओपन हो जाएंगी, आराम से आप रीड कर सकते हो, ठीक है। जिसको भी वीडियो में समझ नहीं आता है ना वो आपको आर्टिकल के माध्यम से पूरी जानकारी समझ सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है, नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिएगा आपको एड्रेस जो कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो, ठीक है, इस एड्रेस पे इस पते पे आपको ये फॉर्म को भेजना होगा। कौन से फॉर्म को भेजना होगा चलिए हम जान लेते हैं। पहले तो हम यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने एक पीडीएफ खुल के ओपन हो जाएगी जो कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो, ठीक है, ये हमारे सामने पीडीएफ खुल के ओपन हो चुकी है। एंड यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मौदा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चल रहा है एनटीपीसी का, ठीक है। तो इसमें जो वैकेंसीज निकली हैं दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आर्टिसन ट्रेनिंग के लिए निकली है यहाँ पे और यहाँ पे आर्टिसन ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक्स के लिए वैकेंसी निकली है। तो इसमें जो आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं, आईटीआई अगर आपने फिटर से कर रखा है, ठीक है, तो पहली पोस्ट के लिए यहाँ पे जनरल वाले के लिए 11 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 2 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट हैं, एससी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए 3 पोस्ट हैं, टोटल 20 पोस्ट निकल कर आ रही हैं। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड वाली वैकेंसी जो है उसमें भी देख सकते हो जनरल के लिए 9 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए कोई नहीं, एससी के लिए कोई नहीं, एसटी के लिए 2 है और टोटल वैकेंसी 12 निकल कर आ रही है। तो ये आपकी जो एज होनी चाहिए यहाँ पे देख सकते हो 45 वर्ष तक होनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जैसा कि यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो यहाँ पे आप सिलेक्शन प्रोसेस भी देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो होगा बेसिकली दोस्तों आपके यहाँ पे रिटन टेस्ट के अकॉर्डिंग और आपके यहाँ पे स्किल्स टेस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हो यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपको स्किल्स टेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो रिटन टेस्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है।
तो इसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे सिलेक्शन बेस्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टाइपेंड की, तो यहाँ पे आप स्टाइपेंड जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे देख सकते हो 21,500 रुपये पर मंथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है, ठीक है। और देख सकते हो आफ्टर सक्सेसफुली अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 21,500 रुपये पर मंथ देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जो आपका यहाँ पे हेल्थ भी होगा, ठीक है, हेल्थ का फिटनेस मेडिकल होगा, मतलब फिटनेस के लिए। और यहाँ पे जो आपके जनरल्स कंडीशंस जो है, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो भी आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, जो कि यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे कैसे आपको फॉर्म को कौन से पते पर भेजना होगा, तो ये जो फॉर्म दिख रहा हो दोस्तों, इस फॉर्म को आपको यहाँ पे जो है आपको भेजना होगा, ठीक है। ये जो आपको फॉर्म दिख रहा है ना, ये वाला फॉर्म, इसको आपको डाउनलोड करवा लेना, निकलवा लेना किसी भी इंटरनेट कैफे पे जा करके, ठीक है। और ये आपको जो एड्रेस दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पे आर्टिसंस ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, जो आपको दे रखा है एड्रेस, इस वाले एड्रेस पे यहाँ से लेकर के और ये जो एड्रेस दे रखा है, इस एड्रेस पे आपको फॉर्म को भेजना होगा दोस्तों, ठीक है। ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है ना, ये वाला फॉर्म, इस वाले फॉर्म को आपको भेजना होगा। और यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है, तो यही फिर प्रोसेस है अप्लाई करने का। आपको यहाँ पे इस फॉर्म को निकलवा लेना है और तभी जो है आपको यहाँ पे स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको वहाँ पे भेजना होगा, ठीक है। ये अब जो प्रोजेक्ट चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो महोदा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के, ये इसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। तो अगर आपने यहाँ पे दोस्तों आईटीआई फिटर में कर रखा है, या फिर आईटीआई यहाँ पे मैकेनिक में कर रखा है, या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है, तो आप यहाँ पे जरूर से अप्लाई करिए, आपका यहाँ पे चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहेंगे दोस्तों, ठीक है। अब जल्दी मिलेंगे हम दोस्तों नई वीडियो में नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।